हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप यहाँ पर अमेज़ॉन के अंदर जब आप एड्रेस एडिट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एड्रेस को कैसे एडिट करना है बताऊँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए ब्रांड एम एस के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा बोलता है, This address is used as your residential address for digital purchases. To edit this address, first set different residential address for your digital purchases. तो यहाँ पर अगर आपके पास एक ही एड्रेस यहाँ पर सेव रहेगा तो आपको क्या करना है गाइस, दो एड्रेस बनाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरा वाला सेलेक्ट रखना है। तो यहाँ पर आपको सेट अ डिफरेंट रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो एग्जिस्टिंग एड्रेस सिलेक्टेड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी एड्रेस आपने सेव किए हैं वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास एक एड्रेस रहेगा तो आपको दूसरा एड्रेस ऐड करना पड़ेगा गाइस। आप ये इजीली कर सकते हैं, आप कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं गाइस इसे एडिट करने के लिए। अगर आपके पास एक ही एड्रेस है तो यहाँ पर आप को दूसरा एड्रेस ऐड करके आपको इसे एडिट करना पड़ेगा। अगर आप इसके ऊपर सेलेक्ट करके आप अपडेट करेंगे और यहाँ पर एडिट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप यूर एड्रेस में जाएंगे तो यहाँ पर आप ऐड अ न्यू एड्रेस यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर नया एड्रेस ऐड कर सकते हैं। फिर जैसे आप एड्रेस ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको दो एड्रेस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो आपको एड्रेस एडिट करना है तो आपको उसे सेलेक्ट नहीं रखना है। तो आपको यहाँ पर अगर मुझे ये मुंबई वाला यहाँ पर ये एड्रेस चेंज करना है तो मैं इसे सिलेक्ट नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर सिलेक्ट करके यहाँ पर अपडेट कर लूँगा जिससे ये यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप इजीली ये दूसरा वाला जो है मुंबई वाला वो आप इजीली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ चुका है। जैसे एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एडिट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप इजीली एडिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।